हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली खान छोटू। कैसे है गाइस आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। ज़बरदस्त बेभरा किराक सवाल लेके आया हूँ मैं। निज़ामबाद बोधन डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ, बोधन में खड़ा हुआ हूँ मैं। यहीं के चलने फिरने वालों से अपन पूछेंगे सवाल। तीन सवाल है छोटे। पहला सवाल है, तेलंगाना में सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है? विनर बनने के लिए जवाब देना है बंदे को। सेकेंड सवाल है, कौन से ईयर में ओपन हुई? ये जवाब देना है विनर बनने के लिए। थर्ड सवाल है, कौन से निज़ाम की निगरानी में तैयार हुई शुगर फैक्ट्री? ये बताना है, निज़ाम का नाम बताना है विनर बनने के लिए। या बंदा रहें दो या बंदी रहें दो, यहीं के चलने फिरने वालों से अपन पूछेंगे बोधन में। उन लोग किस अंदाज में किस तरीके से जवाब देते हैं आप लोग को लाइव बताऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए। कम ऑन, फॉलो मी। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे साहब? कुछ नहीं। हाँ, टोटा खा रहे। सपोटा? टोटा 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 खा रहे भाई। टोटा क्या है ये? टोटा 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 क्या रहता, कैसा रहता टोटा? सुनने मिला के रहता। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई, अपने तेलंगाना की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है? निजाम शुगर लिमिटेड। कहाँ पर है? शक्करनगर। शक्करनगर बोधन में। अच्छा, कौन बनाए वो शुगर फैक्ट्री? निजाम। कौन से निजाम? हमारे नवाब। नवाब, नवाब का नाम क्या है? निजाम नवाब। निजाम नवाब, नवाब पहले है निजाम पहले? नवाब वहाँ पहले। अच्छा, नवाब वहाँ पहले। तो कौन से निज़ाम थे ना? निज़ाम नवाब। निज़ाम नवाब। दोपहर का लंच नहीं हुआ शायद आपको? नहीं हुआ। नहीं हुआ, कर लो आप, फिर आके मिलता हूँ मैं आपको। शुक्रिया। वरम माशाल्लाह, पूरा ग्रामर इधर ही दिख रहा निज़ामबाद बोधन का। शुक्रिया शुक्रिया भाई। भाई आपकी बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात होके। क्यों, आप माशाल्लाह यूट्यूब चैनल आपका देखते रहे तो मैं देखते हैं आप। माशाल्लाह शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। जी जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर ही का हूँ, शक्करनगर निजाम। अच्छा, बोधन के? आप बोधन का हूँ, शक्करनगर। कुछ भी नहीं साहब, छोटे मेरे तीन सवाल है जी। आप जवाब देंगे तो विनर के हकदार होते, विनर बन सकते आप। जी जी, आपके ही बोधन का। मगर भाई इधर पैदा हुआ, इधर बड़ा हुआ जी, मगर दुबई में जॉब करा समझो। अच्छा, दुबई में करे? जी जी। अच्छा, यहाँ की रोटी खा के बड़े हुए, वहाँ पर जाके मांझा सोते आप? जी जी। कितने डॉलर है, कितने दरामा जमा करे अब तक? दरामा बोले तो गया है, जमा करा पूरा, लुटा दिए पूरे जी दुबई। कुछ भी क्या करें, चार दिन की जिंदगी है क्या? ले तो ज्यादा को लग जाते क्या? एक दो लाख रुपए में कुछ हाथ बदल, मुश्किल है। दे दिए ना? कब देते? बोलो ना, हुकुम कर लेने। यहाँ पर चल रहा वीडियो, फोन पे आओ। दे दिए, भेज देंगे अभी फोन पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इतना बोले। तेलंगाना की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है साहब? शुगर फैक्ट्री तेलंगाना बोधन शक्करनगर में। अच्छा, वेरी गुड गुड आंसर। इसका फाउंडर कौन रखे साहब? इसका नाम बोलिए। निज़ाम रखे, मगर कौन से टाइम पे हुआ सो मेरे को आइडिया नहीं है। इसके बाद निज़ाम रखे, कौन से निज़ाम रखे? आप मुकामी आके ना था बोधन के? है मुकामी बोले तो अब। अच्छा, बड़े वहाँ पर हुए? नहीं नहीं, यही बड़े हुए। अच्छा, यही पढ़ा है, यही बड़ा हो। अच्छा, होश संभाले बाद से दुबई चले गए समझो? जी हाँ। प्लेन में बैठे तो डर होता? क्या डर होता, बेल्ट लगा दो बोलते, डर हुआ बोलते बेल्ट लगा लो बोलते। मैं तो नहीं लगाता हूं, कहीं को नहीं लगाया, इनको लगा लेके तो रूल के हिसाब से चलना पड़ता फ्लाइट में जो मेरा जी। तो कौन से ईयर में बनी शुगर फैक्ट्री, कुछ आइडिया? आइडिया 1934 या 1934 ऐसा कुछ आइडिया है समझो? आइडिया 1934, 1935, 1936, 1937 इतने में बनी सो है। पूरे एक बोलो भाई, कौन सा भी। अब मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। व्हाट इज योर गुड नेम सर? मोहम्मद मिनाजुद्दीन। मिनाजुद्दीन, मेरे घर का एड्रेस है 2 वोल्टेज 20 बाई 26। 2 लाख रुपए कब भी जा रहे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत मिलके खुशी हुई। तेलंगाना में सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है? बोधन। पूरा नाम लाइक कम्प्लीटली? निजाम शुगर फैक्ट्री यहाँ पर है। कौन से ईयर में ये लाइक बना था? वो आइडिया नहीं है। नहीं है? नहीं है, नहीं। अच्छा, मतलब किसके निगरानी में बना था, लाइक कौन से निज़ाम के? कौन सा निज़ाम, वो तो नहीं आइडिया नहीं है मेरे को। लाइक उनका नाम? नहीं है मेरे को आइडिया। हेलो मैम। हेलो। यहाँ पे तेलंगाना में सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री मतलब कहाँ पर है? अपना ही पास में ही था आई थिंक तो। अच्छा, नहीं पर? ओके, कौन से ईयर? बंद है वो अभी। लेकिन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था ये? आई डोंट नो, नो। ओके, लाइक कौन से निज़ाम के निगरानी में हुआ था ये?
निजामुद्दीन आई थिंक वाइज लाइक कौन से लाइक यू नो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट बिलीव बिलोंग्स टू बोधन आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र थैंक यू तेलंगाना में सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है ये इधर पर है यहाँ पर है ओके तो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश होता है लाइक कौन से ईयर में बना था वो हमारे को नहीं मालूम बना है सो जब हम भी पायरा भी नहीं हुआ जब वो बना है जब अच्छा लाइक कौन से निज़ाम के अंडर ये बना गया था निज़ाम हाँ वो निज़ाम शुगर फैक्ट्री वाला निज़ाम वाले को बना हैदराबाद का स्टेट के कौन सा नाम उसका नाम नहीं मालूम निज़ाम तेलंगाना में सबसे लार्जेस्ट शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है बोधन में ओके कौन से ईयर में बना था ये ये 1993 या 2 में बने वाला है अप्रॉक्सीमेटली बट कौन सा निज़ाम के अंडर बन गया था बनाया था लेकिन लाइक कौन से निज़ाम के अंडर लाइक कौन बनाने लगा है ये निज़ाम से बनाने लगा है लाइक किसके अंडर लाइक अच्छा ये इतना नहीं मालूम तेलंगाना में सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है बोधन में है निज़ाम शुगर फैक्ट्री निज़ामाबाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री जी पहले थी अभी कौन सी है वो नहीं मालूम जी कौन से ईयर में ओपन हुई सर ये 37 में ओपनिंग हुई 1937 1937 में ओपनिंग 37 जी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह सही जवाब दिया इसके फाउंडर कौन है साहब इसके बादशाह निज़ाम है ना उन्होंने फाउंडर है इसके बादशाह निज़ाम पहले बादशाह पैसे उनके एक एक है दो है नहीं मालूम बोलो बादशाह निज़ाम की चाहिए नाम उनके नाम से फेमस है क्या नाम से निज़ाम कौन से निज़ाम अब दगर निज़ाम बोल के सेकंड निज़ाम सेवन सेवन निज़ाम नाम निज़ाम उनका नाम ही बादशाह निज़ाम बादशाह निज़ाम जी यहाँ पर ही रहते आप हाँ यही रहता हूँ आप साहब मैं भी यहीं रहता हूँ माशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे बहुत बहुत शुक्रिया छोटो भैया हमारे बदन को मैं अभी शक्कर नगर रस्ते के पास अच्छा भाई तेलंगाना में सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कहाँ पर है बोधन के अंदर है बोधन के अंदर बोले तो घर में है सल्लार में है क्या बोले नीचे सल्लार में है घर में है कहाँ पर है सल्लार में है अच्छा बोधन में है हाँ बोधन में ठीक है कौन से ईयर में ओपन हुई ये नहीं वो तो निज़ाम के जब के जब का है समझ जाओ कौन से ईयर में नहीं वो तो भी 1945 का होगा मेरा 1945 हाँ माशाल्लाह जी सही जा रहे हैं आप हाँ ये बोलिए आप मेरे को कौन से निज़ाम थे उस टाइम पर उसमें आखिरी नवाब हाँ नवाब का नाम उनका नहीं मालूम मेरे को उतना नहीं मालूम मंगल चाशुंबा जुमेरा जुम्मा हफ्ता इतवार हाँ ये मालूम ये तो मालूम संडे के दिन बिरयानी दबा के देना तड़ी ये मालूम कभी कभी हो कभी कभी होता और सब खैरियत से सब खैरियत से सब बस बस आपके देखते रहे तो वीडियोस वगैरह तो फिर नॉलेज अब तक आ जाना था नहीं 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 इंशाल्लाह आ जाएंगे आप आगे ना बोधन आगे ना ठीक है ओके थैंक यू सो मच तेलंगाना की सबसे फर्स्ट शुगर फैक्ट्री कहाँ थी बोधन में निज़ाम शुगर फैक्ट्री हाँ सर निज़ाम शुगर फैक्ट्री बोधन के अंदर शक्कर नगर अच्छा जी हाँ ये फैक्ट्री की एक तारीख थी जो बुकों के अंदर भी आता था इसका तस्करा पूरा जी थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के बुकों के अंदर पहले हिस्ट्री है इसकी एशिया में दूसरे नंबर पे एक फैक्ट्री थी जिसकी शुगर बाहर भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती रहती थी अच्छा जो यहाँ के लोग यहाँ पर जो लगा के गए थे मीर उस्मान अली बादशाह लोगों के जीने के वास्ते एक सहारा बनाए थे फैक्ट्री कौन से निज़ाम थे उन्होंने निज़ाम शुगर फैक्ट्री मीर उस्मान अली बादशाह के दौर के अंदर ये फैक्ट्री बनाई गई उसके बाद निज़ाम सरकार के हाथ में आ गई इसकी इसके लिए निज़ाम सागर बनाया गया और यहाँ पे लोगों को जीने का सहारा बनाए वो लोग एक शुगर फैक्ट्री जिसके ऊपर कम से कम 1-2 लाख वर्कर्स एम्प्लॉइज जो है रैयत के साथ जो है जिया करते थे कई अफराद ख़ानदान इसके ऊपर गुजर बसर था इस फैक्ट्री के ऊपर उस ज़माने के लोग जो करके गए हैं वो आज अपने दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी राहत अपने ख़बरों में ले रहे हैं आजकल के हालात इतने ख़राब हैं कि आजकल पेट पे मारने का ज़माना हो गया इस वक्त इस फैक्ट्री की 13,000 हेक्टर लैंड थी जो ज़मीन अर्जी थी इसके ऊपर लोगों के जीने के लिए इसके लिए निज़ाम सागर बनाया गया जी उसके बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री बनाई गई इसके 20 किलोमीटर के राउंडिंग सर्कल जितने देहात और कब्जे रहते थे वो सारे लोग जीते थे
एक 20,000 अफराद ख़ानदान, एक 20,000 अफराद ख़ानदान इसके ऊपर गुजर बसर होता था। एक 2 लाख वर्कर जो रैयत है यहाँ की, गन्ना काश्त करती थी, वो लोग इसके ऊपर गुजर बसर था। कम से कम इस फैक्ट्री के बंद होने से 2 लाख वर्कर जो है यहाँ के एम्प्लॉय से बाहर आ गए। इसका फाउंडर कब रखे बोले आप? 1937 में। बराबर बोले जी। शुगर फैक्ट्री तेलंगाना की सबसे बड़ी कहाँ पर है? तेलंगाना में नहीं, हैदराबाद की निज़ाम स्टेट की जी। ये है? ये है जी। कहाँ पर है ये? ये शक्कर नगर के अंदर है। ओ भाई, किधर है ये एरिया? निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन तालुक के अंदर शक्कर नगर एक कब्जा है जहाँ पर फैक्ट्री है जी। मीर उस्मान अली बादशाह के निगरानी में बना सो है जी। ओके। मैं सुबह से क्या है मालूम, फिर के थक गया साहब जी। वो अब यहाँ पे आके अपन थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर भी जायजा लेंगे। बोले तो आप मिल गए, बहुत अच्छी बात है, आप विनर बन गए, आप बहुत बहुत मुबारक। बहुत छोटा अली खान छोटू चैनल की तरफ से छोटा नजराना, अल्लाह शुक्रगुजार हैं आपके हम, जो आप हमारे इस कब्जे के अंदर आके लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ाए, जिसके बारे में मालूमात लोगों को हो जाते, जिन लोगों को मालूमात है। आज नई पीढ़ी के अंदर ये मालूमात नहीं है, कौन ईजाद करे कौन करे, बल्कि आपके ज़रिए लोगों को ये मालूमात हो जाएंगे। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। ये अली खान छोटू चैनल की तरफ से प्राइज़ मिलता है आपको जी? प्राइज़ होता देखो साहब जी, छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो जी, ठीक है? आप सही सवालों का सही जवाब दिया आप जी। तो गाइस, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है आप मेरे को तो नहीं मालूम, तो बहुत बहुत मुबारक साहब। अनमोल नियामत है वो, चाहे प्राइस पेंसिल क्यों नहीं होती, उसका एक तोहफा है। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, फिटनेस क्लास चलाता हूँ, लिहाजा मैं इस बारे में तारीफ करना नहीं चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है साथ में, फेसबुक पे भी है मेरा। क्या और मैं यूट्यूब चैनल बोल दूँ? सैयद सैयद रेजडी रहमत अली बोल के मार दिए तो आ जाता मेरा चैनल के ऊपर फिटनेस क्लास। और एक बार नाम बोलिए। सैयद रहमत अली, एसडी रहमत अली यूट्यूब मारे तो आ जाता मेरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है अली खान छोटू, अली खान छोटू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी है अली खान छोटू पेज, पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।